वेलकम बैक टू स्टॉक्स पाओ यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे चेक करने वाले। तो यस बैंक लिमिटेड स्टॉक की बात की जाए तो 14.70 पे रिसेंटली ट्रेडिंग करा है यस बैंक लिमिटेड स्टॉक, यानी कि देख सकते हो कि तकरीबन फ्राइडे के दिन यहाँ पे 14.70 पे क्लोजिंग दे चुका है। तो क्वार्टर वन के नतीजे सामने आ चुके हैं यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के, तो वो यहाँ पे हम देखने वाले। तो उसके पहले देख सकते हो कि तकरीबन मूवमेंट की बात की जाए तो फिर फ्राइडे के दिन अच्छी तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिले, नतीजे तो अच्छा आ चुके हैं। इसकी वजह से 15 लेवल को ब्रेकआउट होना अभी देखने को मिल सकता है, 15 लेवल को ब्रेकआउट देता है क्या नहीं। तो देख सकते हो कि मार्केट कैप जो है 36,000 करोड़ के ऊपर जाती हुई नजर आ चुकी है और पी रेशियो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। तो क्वार्टर वन के नतीजे के ऊपर ध्यान डाले जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन यहाँ पे यस बैंक का क्वार्टर वन का नतीजा जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तकरीबन यस बैंक क्वार्टर वन रिजल्ट प्रॉफिट जम्प 50% टू ₹311 करोड़, एनआईएम एट 2.4%। तो प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं कि 50% जंप किया है, तकरीबन 311 करोड़ का यहाँ पे आप देख सकते हैं। यानी कि देखा जाए तो देख सकते हैं कि यस बैंक ऑन सैटरडे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन यस बैंक ऑन सैटरडे रिपोर्टेड 50% ईयर ऑन ईयर राइज इन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड ₹310 करोड़ कंपेयर्ड विथ ₹206 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। पिछले साल देख सकते हो कि 206 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है, इस साल यहाँ पे देख सकते 310 का। नेट इंटरेस्ट इनकम फॉर द क्वार्टर जम्प 32% ईयर ऑन ईयर, मीन्स यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी यहाँ पे 32% अप है, तकरीबन 1850 करोड़ पे प्राइवेट लेंडर सेड इन अ बीएससी फाइलिंग। तो देख सकते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन फॉर द क्वार्टर इन एट 2.4% अप नियरली 30% ईयर ऑन ईयर, मीन्स अच्छा यहाँ पे क्वार्टर का नतीजा देखने को मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं द बैंक सेड इट नॉन इंटरेस्ट इनकम फॉर द क्वार्टर केम इन एट ₹781 करोड़ एडजस्टेड फॉर अनरियलाइज्ड एंड रियलाइज्ड गेन ऑन इन्वेस्टमेंट, द नॉन इंटरेस्ट इनकम क्लाइम 35% ऑन ईयर ऑन बेसिस। तो ये लेटेस्ट अपडेट यस बैंक लिमिटेड स्टॉक के लिए।